वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेस टॉपिक, विल दे कॉन्टैक्ट यू? क्या वो आपके एक्स पर्सन आपको कॉन्टैक्ट करेंगे? क्या आपका एक्स पार्टनर आपके साथ दोबारा रिकनेक्ट करेगा या नहीं? क्या वो इंसान आपके साथ, ये जो नो कॉन्टैक्ट ब्लॉकिंग सिचुएशन जो है, ये जो ब्रेकअप हो चुका है आप लोगों के, जो कम्युनिकेशन ब्रेक है, क्या ये दोबारा कंटिन्यू होगी या नहीं? क्या आपके एक्स पार्टनर आपको कॉन्टैक्ट करेंगे या नहीं? लेट्स सी। कलेक्टिव शेडिंग है, टाइमलेस शेडिंग है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती होती है रखें, फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरे पिका कार्ड रीडिंग्स देखने हैं तो दूसरे चैनल को वॉच करें, वहाँ पे कल मैंने पिका कार्ड रीडिंग अपलोड करे हैं न्यू, ठीक है, तो आप उसको भी जाके वॉच कर सकते हैं। मल्टीपल टॉपिक्स हैं, सारे टॉपिक्स मेरे इस चैनल के भी, उस चैनल के भी टाइमलेस होते हैं, क्योंकि मैं एक सरफेस वाली रीडिंग नहीं करती हूँ, मैं एक डिटेल रीडिंग करती हूँ जिसमें आपको टाइमलेस पता चलेगा कि ये क्यों टाइमलेस होते हैं, ठीक है, आपको डिटेल मिलेगी। तो अगर आपको ऐसा लगता है कोई भी टॉपिक ऐसा क्लिक करता है तो आप कोई भी पुराना ओल्ड टॉपिक भी वॉच कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि आपके एक्स पार्टनर आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। ओके, मेरे व्यूवर के एक्स पर्सन, एक्स पार्टनर, क्या मेरे व्यूवर को कॉन्टैक्ट करेंगे? आपके एक्स पर्सन, आपके एक्स पार्टनर, पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, क्या आपको कॉन्टैक्ट करेंगे? थिंक अबाउट योर एक्स पार्टनर, ठीक है, क्या वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे? वो इंसान क्या आपके साथ दोबारा रिकनेक्ट होगा? आपके एक्स पार्टनर क्या आपको कॉन्टैक्ट करेंगे? आपके एक्स पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के आपको कॉन्टैक्ट करेंगे? द मून। ट्रस्ट इश्यूज हैं आप दोनों के बीच, ठीक है, आप दोनों के बीच ट्रस्ट इश्यूज हैं और मून की एनर्जी, आप लोगों ने, आपके एक्स आपसे कुछ हाइड कर रहे हैं, कुछ छुपा रहे हैं, ठीक है, आपके एक्स के, आपके एक्स अगर आपकी लाइफ से गए हैं तो उन्होंने कुछ आपसे छुपाया है, कुछ हाइड किया है। स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे स्टॉकिंग एनर्जी है, आप उनको स्टॉक करते हैं, ठीक है, ब्लैक मून की एनर्जी है, मून यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हाइड हुई हुई है, हिडन है, ठीक है, हिडन सीक्रेट्स यहाँ पर। स्टॉकिंग एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर आप एक दूसरे को स्टॉक एंड सर्च करते हैं, कहीं ना कहीं से एक दूसरे को ज़रूर देखते हैं, एक दूसरे के ऊपर नज़र रखते हैं, फेक अकाउंट्स हो सकते हैं, फेक आईडीज, कहीं ना कहीं स्टॉकिंग एनर्जी है। क्लैरिफाई द मून, यहाँ पर मून की एनर्जी क्यों है? क्लैरिफाई द मून, अगर आपके एक्स यहाँ पर, एक आपके एक्स और आप लोग के बीच कोई एज डिफरेंस हो सकते हैं, ठीक है, ये पर्सन वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न हो सकता है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस हो सकता है और जेमिनी हो सकता है। आपके एक्स की लाइफ में चॉइसेस हैं, आपके एक्स की लाइफ में यहाँ पर द लवर की एनर्जी है, चॉइस है, ठीक है, आपके एक्स ने आपको मैनिपुलेट करा। अगर ये इंसान आपको काम, कैरियर और इस चीज़ का एक रीज़न बना के गया है कि यहाँ पर बहुत बहुत एक ऑब्स्टिकल है, चैलेंजिंग है, ठीक है, ये इंसान जो है ना, एक तो ये इंसान के माइंड में एक चीज़ चल रही है, ये आपको एक मैनिफेस्ट तो कर रहा है, ठीक है, ये आपको मैनिफेस्ट करना चाहता है, लेकिन मुझे इसकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस लग रहा है, जो चीज़ आपसे हिडन है, जो चीज़ आपसे हाइड कर रहा है। ये अगर एक्स ना है तो उसका रीज़न ये है, इसकी लाइफ में आपके अलावा कोई और है, इसने आपको मैनिपुलेट करा, इसने आपको शो शायद इस तरीके से करा है कि ये एक इल्यूजन में इसने डाला है कि ये आपके काम, कैरियर को लेकर डिस्टर्ब है, ये अपने फाइनेंसेस इसके स्टेबल नहीं हो पा रहे, सही से उस चीज़ को बैलेंस नहीं कर पा रहा, एक टाइम में एक ही चीज़ को फोकस कर सकता है और उसके लिए वो काम और कैरियर बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ इस टाइप का इसने आपके माइंड में चीज़ें डाली हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि इसकी लाइफ में जो है ना, आपके अलावा कुछ और चल रहा है, ठीक है, आपके अलावा कोई और कनेक्शन है जिसको ये डील कर रहा है। वेट, क्लैरिफाई करते हैं, आपके एक्स ने आपको एक मैनिपुलेट करा है, आप लोग का जो ब्रेकअप हुआ है, सिचुएशन एंड हुई है, यहाँ पर इस कनेक्शन में कोई और पार्टी, कोई और इंसान एंटर करा है, किसी और की एंट्री आपके आपके पीठ पीछे की गई है और ये चीज़ आपसे हाइड की गई है, आपके आपसे चीज़ें छुपी हुई हैं, चीज़ें अभी भी छुपी हुई हैं। हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल क्लियर हूँ, डबल की एनर्जी है, ये इंसान आपको मैनिपुलेट करके गया। आप लोग के बीच अगर एंडिंग हुई है, सेपरेशन आया है,
ब्रेकअप आया है, आप लोग तो डिस्टेंस पे गए हैं, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये इंसान आपको मैनिपुलेट कर रहा है, इसकी लाइफ में आपके अलावा कोई और पर्सन है जिसको ये डील कर रहा है, इसने आपको मैनिपुलेट करा है, अगर इसने आपको रीजन ये दिया है काम कैरियर स्टेबिलिटी ठीक है, और फैमिली नहीं मानेगी, रिलीजियस कास्ट फैक्टर है, तो यहाँ पर कोई और इन्फ्लुएंस है, कोई और इंसान इसकी लाइफ में एंटर किया है, किसी और की वजह से इसने आपके साथ एक डिस्टेंस क्रिएट करा है, डबल एनर्जी है, किसी टॉक्सिक कनेक्शन में है, किसी एक टॉक्सिक टॉक्सिक माइंडसेट का इंसान, एक टॉक्सिक वो जो कहते हैं ना एक फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाला रिलेशनशिप, जो आपसे नहीं मिल रहा था वो कहीं और से मिल रहा है ठीक है, क्योंकि एक होता है ना रिस्पॉन्सिबल उठाने वाला इंसान नहीं होता, तो वो शॉर्टकट इस्तेमाल करता है लाइफ को गुजारने के लिए ठीक है, तो यहाँ पर विदाउट मैरिज विदाउट सब कुछ विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहीं से सब कुछ मिलेगा तो वो इंसान वही एक चीज में जाएगा, तो डबल की एनर्जी है, काफी टॉक्सिसिटी मुझे नजर आ रही है, डार्कनेस मुझे नजर आ रही है, इंसान कहीं और कनेक्टेड है ठीक है, इसकी लाइफ में चॉइसेस हैं, इसने अगर आपको छोड़ा है तो उसके पीछे का रीजन कुछ और है, योर एक्स पार्टनर स्मार्ट पर्सन है, स्मार्ट प्ले करता है ये इंसान ठीक है, मैं आपको इतना क्लियर कर दूं, बहुत स्मार्ट प्ले करता है, आपके आपको एक इल्यूजन में रखकर आपको मैनिपुलेट कर कर, उसमें इमोशंस भी हो सकते हैं, इमोशनल मैनिपुलेशन भी हो सकती है ठीक है, योर एक्स पार्टनर योर एक्स पार्टनर काफी पैशनेट एरीज जो सैजिटेरियस हो सकता है ये इंसान ठीक है, और ये एरीज जो सैजिटेरियस है ये पर्सन ठीक है, यहाँ पर इस पर्सन की लाइफ में देखने क्या चल रहा है, किसी तरीके का स्टार्ट किसी तरीके की बिगनिंग किसी तरीके के फायरी एनर्जी लग रही है मुझे इस इंसान की लाइफ में, ये कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस भी हो सकता है, क्लारिफाई इस ऑफ योर एक्स पार्टनर, इस पर्सन के एक्स पार्टनर आपके मेरे व्यूअर के एक्स पार्टनर की लाइफ में और क्या चल रहा है, क्लैरिफाई एस ऑफ फ्रेंड भाई, कोई न्यू स्टार्ट पे गया है, इसने आपको जो छोड़ा है अपनी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट पे गया है, ये आपको इमोशनली छोड़कर गया है, डिस्कनेक्ट होके गया है अपनी लाइफ में कहीं और न्यू बिगनिंग करने के लिए, इसको इस कनेक्शन में स्पार्क खत्म हो चुका था, ये पर्सन एक क्रॉस रोड पे था, इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, सिर्फ आप ही इस रिश्ते में दिए जा रहे थे और ये इंसान लिए जा रहा था ठीक है, अब वो कुछ भी हो सकता है, बहुत ज्यादा यहाँ पर हिडन सीक्रेट्स हो सकते हैं, इस वजह से एंडिंग आई है यहाँ पे, मतलब के समझ में नहीं आ रहा था चल क्या रहा है, यहाँ पे कंप्लीटली इस इंसान की तरफ की क्लैरिटी आपके पास नहीं थी, काफी लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी थी, आप अकेले ही रहते थे, आपको हर चीज अकेले ही मैनेज करनी है, आपको हर चीज अकेले ही देखनी है, तो क्या फायदा ऐसे रिश्ते का होने का, एक स्ट्रेस सारा बर्डन आप उठा रहे थे, इस रिश्ते का सारा स्ट्रेस आपके हाथ में था, हर सारा बर्डन सारा स्ट्रेस आप लेकर चल रहे थे, आप एक अपने आप को मतलब कि आप किसी इंसान के साथ हैं जब वो जब जिस टाइम आपको जरूरत है वो इंसान आपकी लाइफ में नहीं है, तो उसके होने ना होने का क्या फायदा, मतलब कि आप एक ऐसे मेंटल जेल में, एक ऐसा ऐसे मेंटल केज में आप स्टक थे कि जिसकी चाबी तो थी लेकिन आप उसको खोल ही नहीं पा रहे थे ठीक है, ये सिचुएशन कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतरी थी, आपके लिए जो एक एंडिंग आई है इस इंसान के साथ, क्योंकि ये इंसान आपको वो सब कुछ नहीं दे रहा था, आपको सिर्फ स्ट्रेस और इस कनेक्शन का बर्डन आपको ही उठाना पड़ रहा था ठीक है, बहुत सारे यहाँ पर हिडन सीक्रेट्स हैं जो आपको नहीं पता, रीजन ये भी हो सकता है आपको इस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है क्या हो रहा है, कंप्लीट क्लैरिटी नहीं थी, कंप्लीट ट्रुथ ही नहीं पता था आपको, ये कहाँ होता है कहाँ काम कर रहा है, क्या इसकी क्या इसका इंटरेस्ट है, कहाँ अपने आप को बहुत ज्यादा कनेक्टेड रखता है, तो वो वाला सब कुछ ही नहीं था ठीक है, एक बर्डन सम एनर्जी स्ट्रेस, आप एक स्ट्रेस में थे, आप समझ नहीं पा रहे थे चल क्या रही है सिचुएशन ठीक है, ओके ये इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है, योर एक्स पार्टनर क्या ये आपको कांटेक्ट करने का सोचता है, विल दे कांटेक्ट यू, योर एक्स पार्टनर विल दे कांटेक्ट यू, क्या ये एक्स आपके आपको कांटेक्ट करने का सोचते हैं, फाइव ऑफ कप्स
होपलेस है, फीलिंग ऑफ लॉस, इस इंसान को ऐसा लगता है ये सिचुएशन एक डेथ की एनर्जी पे, एंडिंग वाली एनर्जी है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, ठीक है, ये इंसान आपको छोड़कर गया हुआ है, बिल्कुल अभी तो फिलहाल नहीं सोच रहा है कि आपको कॉन्टैक्ट करे, आपके साथ कनेक्शन में आए, ठीक है, आप लोग के बीच एक इमोशनल लॉस, इमोशनल देखें आपकी तरफ से कितना इमोशनल बॉन्ड बनाने की कोशिश की गई है, सामने वाले की तरफ से वो एफर्ट नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है. क्लैरिफाई फाइव ऑफ कप्स, क्लैरिफाई फाइव ऑफ कप्स, क्लैरिफाई फाइव ऑफ कप्स, यहाँ पे फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? ये अक्सर आपको सोचता है, आपकी लॉयलिटी को सोचता है, ठीक है, मैं आपको इतना बता दूं, आपका जो इसकी लाइफ पे असर है काफी स्ट्रांग है, ठीक है, आपने जो इसकी लाइफ पे एक एक अपना असर छोड़ा है वो बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा थिंकिंग है, ओवर थिंकिंग है, यहाँ पर ये इंसान किसी के भी साथ हो, काम कर रहा हो, वर्क कर रहा हो, लेकिन आपका एक लॉयल और एक ऑनेस्ट, आपकी ऑनेस्टी, आपके एक चाइल्डिश नेचर मिस करता है आपको, ऐसी बात नहीं, एक मिसिंग एनर्जी है, ठीक है, चाहे इसका इमोशनल बॉन्ड हो ना हो, लेकिन आपका जो एक अपनाइयत वाला जो आपका जो एक सिलसिला रहा है ना, जो जिस तरीके से आपका एक चीज़ों को आप मतलब कि आप हर चीज़ को अपना कर लेते हैं, एक होमली वाइब आप बना लेते हैं, ठीक है, हर जगह जाकर बहुत ज़्यादा आप बैलेंस ही पर्सनैलिटी है, बहुत ज़्यादा आपका जो चीज़ों को डील करने का तरीका है वो काफ़ी एक सिंपल सा है, स्वीट सा है, बहुत जेन्युइन और जेंटल एनर्जी है आपकी, ठीक है, वो चीज़ मिस कर रहा है ये आपके अंदर, एक आपका जो एक लॉयल, एक आपका जो एक फ्रेंडशिप, जो एक प्रोटेक्ट करना, बहुत ज़्यादा लॉयल रहना, ऑनेस्ट रहना, वो चीज़ इसको याद आ रही है, ये जब सोता है या उठता है या बैठता है, वर्क भी कर रहा होता है, इसका एक थॉट होता है आप बहुत लॉयल रहे इसके साथ, आपने कभी भी इसके साथ डिसेप्टिविटी नहीं करी, कोई नेगेटिविटी नहीं करी, कभी भी आपने किसी चीज़ का बदला नहीं लिया, कभी भी आपने एक नेगेटिव नहीं सोचा इसको लेकर, ठीक है, ये चीज़ ये सोचता है, इसके माइंड में ये थॉट आपको लेकर चलता है और अक्सर चलता है, सोने जाता है तो चलता है, काम कर रहा होता है, चाहे किसी के साथ भी, अपने फ्रेंड सर्कल में हो, अपने ऑफिस में हो, इसके माइंड में आपका थॉट आता है, ठीक है, क्या ये इंसान आपको कांटेक्ट करेगा? विल दे कांटेक्ट यू? क्या इसका आपको मैसेज या टेक्स्ट आएगा इस पर्सन का? भाई इसको स्लोली स्लोली डिवाइन आपकी वैल्यू समझाएंगे, मैं मुझे एक चीज समझ में आ रही है, इस इंसान को ऐसे इंसान से मिलवाया है जो आपकी अहमियत बताकर जाएगा, अगर वो इंसान एंटर ना करे इसकी लाइफ में तो आपकी अहमियत समझ में ना आए, ठीक है, आपकी आपकी एक जेन्युइन जो एक लॉयल एनर्जी है ना वो चीज़ मिस करने लग गया है ये इंसान, ठीक है, अब वो कितना ही टाइम हुआ आपसे दूर गए हुए इसको, ठीक है, लच्छी देखते हैं क्या ये आपको कॉन्टैक्ट करेगा, क्या इसका इस मेरे व्यूअर के एक्स का कोई कॉन्टैक्ट मिलेगा? किंग ऑफ वैंड्स, काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है, मेस्पराइज करने वाली पर्सनैलिटी है, ठीक है, लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं, लोग खुद से खुद इसको प्यार देते हैं, लोग खुद इसके साथ एक इमोशनल हो जाते हैं, ठीक है, लोगों का जो एक मतलब कि इसका जो असर है लोगों के ऊपर वो काफ़ी एक इसकी पर्सनैलिटी की वजह से, इसके कुछ ट्रेट जैसे हैं, बहुत गहरा असर होता है, ठीक है, ये गुड लुकिंग पर्सन है और काफ़ी एक किंग टाइप पर्सनैलिटी को कैरी करता है ये इंसान, ठीक है, तो थोड़ा सा स्ट्रांग हुआ हुआ है अभी, ठीक है, थोड़ा सा अभी जो डिफिकल्ट हो रहा है ना आपको, स्ट्रांग मैसेज करेगा नहीं करेगा, एक होता है ना अभी नया नया अपनी लाइफ में वो चीज़ उड़ना स्टार्ट किया है, खुला आसमान मिला है, खुली फिजा मिली है, वो उड़ने का मज़ा आ रहा है अभी, ठीक है, वो जब सामने से कोई पहाड़ टकराएगा ना तब समझ में आएगा, तो टकराने का टाइम है और वो टकराएगा विच, ठीक है, क्लैरिफाई नाइट ऑफ फ्रेंड्स, क्या ये मेरे व्यूअर को कनेक्ट करेगा, क्या ये आपको मैसेज या टेक्स्ट करेगा? क्लैरिफाई किंग ऑफ फ्रेंड्स, बिल्कुल आपको इसका मैसेज मिलेगा जब आप इस सिचुएशन को एंड समझेंगे, जब आप इस सिचुएशन को ख़त्म समझेंगे और अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे, अपने अपने सेल्फ फोकस हो जाएंगे, जब आपका फोकस इस सिचुएशन से डिसकनेक्ट हो जाएगा, जब आप इस कनेक्शन पे इस सिचुएशन पे फोकस ही नहीं रहेंगे, तब आप जब आपके माइंड में इस कनेक्शन की या इस सिचुएशन की इसके वापस आने की एक होप ख़त्म हो जाएगी, जब आपका सारा फोकस अपनी सक्सेस पे होगा, अपने लाइफ पे होगा, अपने फैमिली पे होगा, अपने कैरियर पे होगा, अपने मतलब कि अपने आप को आप एक लोगों मतलब कि लोग आपको एडमायर कर रहे होंगे, तब इस इंसान का ऐसा फील होने वाला है भाई इसकी इसकी वजह से आपकी ग्रोथ रुकी हुई थी ना, ये आपको एक ना ये आपके साथ लॉयल था, ना ये आपके साथ एक होता ना एक मुनाफिक और एक जो एक उसकी जोड़ी नहीं बन सकती, जो मुनाफिक एक मुनाफिक इंसान है किसी एक मजलूम के साथ या एक सही इंसान के साथ रह नहीं सकता,
एक मुनाफिक इंसान एक सही इंसान के साथ रह नहीं सकता, तो ये आपके साथ एक मुनाफिकत दिखा रहा था। आप मुनाफिकत मतलब एक गलत बिहेवियर दिखा रहा था, गलत पैटर्न्स थे, ये उतना आपका नहीं था जितना आप इसके थे। तो ये जो डिस्टेंस आया है ना, वो यूं आया है, एक तो आपकी ग्रोथ भी नहीं हो पा रही थी, ठीक है ना, ये आपका अपना था ना, ये आपके साथ कुछ स्टेबल हो पा रहा था। ये वही आपके साथ रहते हुए भी एक्सप्लोर करना, आपको एक टाइम पासिंग की तरह लेना, आपके साथ स्टेबल थॉट ना रखना, या आपके साथ कुछ बैलेंस माइंड ही ना बनाना। अभी मैरिज और कमिटमेंट की बात नहीं हो, बेशक नहीं हुई हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके माइंड में एक चीज का अख्तितम मैरिज और कमिटमेंट ही होती है। कोई रिश्ता बनाओ तो उसको, कोई इंसान को अपनी लाइफ में ला तो उसको रिस्पेक्ट दो। इसकी लाइफ में आपकी वो रिस्पेक्ट भी नहीं थी, वो प्यार भी नहीं था, लेकिन ये आपकी ग्रोथ को भी स्टॉप करके बैठा हुआ था। ये आपके एक ग्रोथ के लिए रास्ते खुले हैं, आप अपनी लाइफ में कुछ करने के लिए आए हैं, आपकी एक फाइनेंशियल ग्रोथ, आपके फाइनेंसिस में आपको कुछ अचीव करना है, आपके अंदर वो क्रिएटिविटी है, वो स्टेमिना है, वो एबिलिटी है कि आप अपने बल पर कुछ कर सके, तो वो चीज़ स्टॉप हुई हुई थी। ये जो एक अभी मतलब कि आपके लिए किसी भी तरीके से बेनिफिशियल नहीं रह रहा था ये इंसान, ठीक है, बल्कि आपका बेनिफिट ये उठा रहा था। एक आपके आप इसका सपोर्ट सिस्टम बने रहे, बाकी अपनी लाइफ में कुछ भी करता रहे, कुछ भी कर कर आए और आपकी सपोर्ट मांग ले, आप इसको मेंटली सपोर्ट कर रहे हैं, इमोशनली कर रहे हैं, फाइनेंशियली कर रहे हैं, तो ये तो ठीक नहीं था ना, आपका लॉस ही हो रहा था और आपकी एक रुकावट ऑब्स्टिकल बना हुआ था। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है जो इसका इस तरीके का बिहेवियर दिखाना, ये आपको एक सक्सेस की तरफ, एक सक्सेस के रास्ते खोल रहा है आपके लिए, वो डोर्स ओपन हो रहे हैं जो आप बंद हुए हुए थे। या आपको एक जो इसने आपको एक डाउन फील कराया है, या जो आपको एक डिसरिस्पेक्ट किया है, आपको ये एक ईगो पे हिट करने वाला है। आप अपने ऊपर वर्क करके अपने आप को एक काबिल इंसान बनाने वाले हैं, ठीक है, तो इन सब चीजों पे वर्क कर रहा है। ये आएगा, लेकिन जब जब आप बोलेंगे कि सही है, ठीक है, आप एक्सेप्ट कर चुके होंगे कि एंडिंग हो गई तो हो गई, दुनिया खत्म नहीं हो गई इस एंडिंग होने के बाद, तब आएगा ये, ठीक है, ये क्लियर कर दूँ। जब आप अकेले चलना सीख जाएंगे, जब आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, जब आपको इस इंसान की फिक्र नहीं रह जाएगी, जब आपको इसका किसी भी तरीके का ये आएगा ही नहीं आएगा, ये चीज आपके माइंड में होगी ही नहीं, ठीक है। क्या फ्यूचर हो सकता है इस कनेक्शन का, लेट्स सी। इस रिश्ते का फ्यूचर क्या बन सकता है, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या हो सकता है आने वाले टाइम में, आज इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या रहेगा। ये फ्यूचर तो थोड़ा सा सीक्रेट है, ठीक है, हाइपोसिस की एनर्जी आई है यहाँ पर, आपकी इंट्यूशन ही इस चीज़ को डिसाइड कर सकती है, ठीक है, लेकिन आपको फ्यूचर में आप प्रोटेक्टिव ज़रूर होने वाले हैं, अपने सेल्फ को प्रोटेक्ट करने वाले हैं, काफ़ी इंट्यूटिव होने वाले हैं, आपका थर्ड आई चक्र ओपन हो जाएगा, ठीक है। आप जो चीज़ें आपको मतलब कि जो चीज़ आपको सर्व नहीं की जा रही है, जो लोग आपके साथ अच्छे नहीं है, मिसबिहेवियर पे हैं, या आपको एक्सेप्ट नहीं करते, आप उन चीज उन लोगों को खुद रिजेक्ट करेंगे अपनी हीलिंग के लिए, अपने मेंटल पीस और अपने अपने आप को सुकून देने के लिए, ठीक है। आप काफी होल्ड बैक करने वाले हैं आने वाले टाइम पे, ठीक है, आप इंट्यूटिव होते हुए नजर आ रहे हैं, आप अपनी आपकी जो इंट्यूशन लेवल है वो बढ़ेगा, ठीक है, आपकी इंट्यूशन पावर काम की जाएगी, आप किसी अपने अपने सेल्फ पे वर्क करने वाले हैं। दी एम्परर वही इंसान आपकी लाइफ में जाने वाले टाइम में नजर आ रहा है और आपको देखता हुआ नजर आ रहा है, और खुद उस टाइम में इंसान बहुत ब्लॉक फील करेगा एक्शन लेने के लिए, क्योंकि आप अपनी लाइफ को इतना बैलेंस और ग्रो कर चुके होंगे। कोई यहाँ पर आपका टेन ऑफ कप्स यहाँ पे ड्रीम रहा है, आप राइट नाउ ऐसा हो सकता है काफी डिसअपॉइंट है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा आने वाले टाइम में आप डिसअपॉइंट रहेंगे, आप इतना कुछ अचीव कर चुके होंगे, ये लॉस आपको लॉस लगेगा ही नहीं, ठीक है, बल्कि ये इंसान आपको एडमायर करेगा, ये इंसान उस टाइम आपकी वैल्यू और आपकी वर्थ समझेगा, आपके साथ कनेक्ट होना चाहेगा, ठीक है। एक तो इस दौर में जो है ना पॉजिटिविटी कम है, एक पॉजिटिव इंसान और कामयाब हो जाए तो बताएं फिर तो मज़ा डबल हो जाए, ठीक है, डबल पैटी बर्गर बन जाए, फिर तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाए, ठीक है, तो ये वो वाली बात है। तो अगर आप लोग एक पॉजिटिव पर्सनालिटी है, एक पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं, एक सही और गलत की वैल्यू जानते हैं, और आपका एक रास्ता सही का है, चाहे सही का रास्ता कभी भी आसान नहीं होता, इस बात को माइंड में रख लिया, अगर आप किसी के साथ ऑनेस्ट चल रहे हो और ऑनेस्टी बनते आ रहे हो और हमेशा आप धोखे खा रहे हैं, एक तो आप समझ जाए आप सही इंसान हैं और सही रास्ते पे हैं। सही रास्ता सुनसान होता है, अकेला होता है, ये आपको अकेला कर देता है, ठीक है, हर वे में अकेला कर देता है, आपको ऐसा लगता है यार क्या गुनाह कर दिया लगता है, लेकिन आप सही रास्ते पे हो। गलत रास्ता भीड़ से भरा हुआ होगा, लोग आपको
अप्रिशिएट कर रहे होंगे, लोग आपको चेयर कर रहे होंगे, वो भाई तुम बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हो, वो सब आपके दुश्मन होते हैं। सही रास्ता अकेला होता है, ठीक है? तो काफिले अकेले चलने वाले बनाते हैं, काफले बनाए, अकेले चले, काफले बनेंगे, यकीन रखें काफले बनेंगे। आपके पीछे वो लोग आएंगे जो जो आपको छोड़कर जा चुके हैं, ठीक है? वो चीजें, वो सब कुछ आपको इन रिटर्न मिलेगा जब आप अपनी लाइफ को जब आप अपनी जिंदगी में कामयाब हो चुके होंगे, तब मिलेगा। वर्क करते रहें, ठीक है? कामयाबी बहुत आसानी से नहीं मिलती। ट्राई 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 रीट्राई रीट्राई, आपको करना पड़ता है, एक चीज को आपको फोकस बनाना पड़ता है, एक चीज के पीछे लगना पड़ता है। लाइफ में सक्सेस जब मिलती है, ठीक है, मैं फाइनेंशियल की बात कर रही हूँ, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात कर रही हूँ, आपकी एक मेंटल ग्रोथ की बात कर रही हूँ, ठीक है? लगे रहे लगे रहे, आपको कोई हरा नहीं सकता। अगर आप सोच रहे तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको गिरा दे, ठीक है? विजन बड़ा रखें, बड़े ख्वाब, बड़े ड्रीम, और उनको अचीव करने के लिए फोकस रखें, और साबित कदम रहें। साबित कदम मतलब सीधे रास्ते पे रहें, पॉजिटिव रहें, बुरा ना करें, भला करें। एक फूड डोनेशन करते रहें, डोनेशंस करते रहें, और कुछ ना कुछ अपनी जेब से देते रहें। जो आप कर रहे हैं, आप उसमें से कुछ ना कुछ निकालते रहें। कोई चीज़ आपको रोक नहीं सकती अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने से, ठीक है? आप लोग फाइनेंसिस की बात करते हैं ना, डोनेशन करें, फाइनेंसिस देखिएगा आप लोग के कहाँ जाएंगे। उसके दिए में से देना है, अपनी जेब से थोड़ी देना है, ये माइंड में रखें, ठीक है? तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखते, रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब।